Hello students, good morning everyone. Students, today in this video I am going to summarize chapter 8, changes in art and architecture. Okay, so this chapter already you have learned in your previous classes, but let us see what is it about and which are the topics which we have learned. So students, first of all, this chapter tells us about the changes in art and architecture during the British rule. ठीक है, हमारे इंडिया में ancient time में, medieval period में काफ़ी changes हुए. ठीक है, उसके बाद जब British rule हुआ, then बहुत सारी architectural style art में बहुत सारे changes आए. ठीक है, तो क्या changes थे तो देखे गए, किस type की paintings थी, arts थे, literature था, सारी चीज़ें. ओके, सो पीपल्स इन द एंशियंट टाइम दे एक्सप्रेस दियर थाट्स एंड कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी बाई प्रोड्यूसिंग दियर आर्ट्स पेंटिंग्स एंड आर्किटेक्चर. ठीक है, सो लेट अस फर्स्टली लर्न अबाउट द आर्ट. सो अंडर द आर्ट देर इज अ पेंटिंग्स. सो देर वॉज अ यूरोपियन इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन द सेवरल पेंटिंग्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. ठीक है, सो जब यूरोपियन रूल हमारे इंडिया में हुआ, तो ड्यूरिंग द 18 एंड द 19 सेंचुरी कई सारे यूरोपियन पेंटर्स हमारे इंडिया में विजिट किए, एंड दे मेनली पेंटेड द लैंडस्केप. मतलब उनकी पेंटिंग्स कैसी थी, लैंडस्केप पेंटिंग्स थी, बिल्डिंग्स थी, बिल्डिंग्स को पेंट करते थे, एंड दे ऑल्सो पेंट द हिस्टोरिकल इवेंट्स इन इंडिया. ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स जो थे उनको पेंट करते थे, मतलब हिस्ट्री में क्या हुआ इंडिया की, वो सारी चीज़ें. एंड दे अप्लाइड द वेस्टर्न टेक्निक्स एंड स्टाइल. ठीक है, वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग वॉज यूज बाई द यूरोपियन पेंटर्स. ठीक है, तो वो 3D डायमेंशनल, मतलब 3D इफेक्ट्स को यूज़ करते थे अपनी पेंटिंग्स में, टू प्रेजेंट द डेप्थ, टू गिव द डेप्थ बाई यूजिंग शेडिंग एंड पर्सपेक्टिव. ठीक है, शेडिंग यूज करने के लिए. एंड आफ्टर दैट दे ऑल्सो एक्सप्रेस द फॉलिंग एंड द रूइन एंड द सीन्स ऑफ द एवरीडे लाइफ. ठीक है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स और इंडियन सब्जेक्ट्स पर डीप में जाने के लिए इंडियन सब्जेक्ट्स को एक्सप्रेस करते थे. पेंटिंग्स ऑल्सो डिस्प्लेड एट आर्ट एग्जीबिशंस इन इंग्लैंड. ठीक है, जो हमारी इंडियन की, इंडिया की पेंटिंग्स थी, टेम्पल्स की और एडमिनिस्ट्रेशन की, डे टू डे लाइफ की जो पेंटिंग्स थी वो डिस्प्ले की जाती थी इंग्लैंड में. ठीक है, एंड दे ऑल्सो बीन इंग्रेव्ड. इंग्रेव मतलब क्या था, पेंटिंग जो की जाती है वो तो ओरिजिनली एक ही पेंटिंग बनेगी. ठीक है, बट अब क्या था, धीरे धीरे चेंजेस हुए, वुडन ब्लॉक्स पर इंग्रेव की जाने लगी. ठीक है, वुडन जो लकड़ी का ब्लॉक होता है उस पर पेंटिंग की जाती थी, एंड देन इट इंक्ड, उसके ऊपर इंक स्प्रेड की जाती थी और फिर उसको स्टैम्प किया जाता था. ठीक है, तो इससे ड्राइंग प्रोड्यूस, प्रिंट ड्राइंग प्रोड्यूस की जाती थी, जिसको कि मल्टी कलर्स में डिफरेंट आर्ट लवर्स को सोल्ड किया जाता था. ठीक है, एंड सम पेंटर्स दे ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय द इम्पॉर्टेंट कंपनी ऑफिशियल्स एंड रिच इंडियंस टू पेंट दियर पोर्ट्रेट्स एंड दियर हीरोइक डीड्स. अब क्या है, हमारे इंडिया में जो बड़े बड़े, मतलब ग्रेटेस्ट रूलर्स हुआ करते थे, वो अपनी हीरोइक डीड्स, मतलब उन्होंने क्या क्या ब्रेव वर्क किए हैं, उनकी विक्ट्रीज क्या है, उनके अचीवमेंट्स क्या हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने पेंटर्स हायर किए थे. ठीक है, सो दे प्रोड्यूस दियर पोर्ट्रेट्स एंड दे प्रोड्यूस दियर हीरोइक डीड्स थ्रू दियर पेंटिंग्स. ओके, आफ्टर दैट रूलर्स हु लॉस्ट दियर पावर, सो दे रियलाइज दियर ग्लोरी थ्रू द पेंटिंग्स. ठीक है, अब राजा क्या है, पहले जो जिन जो रूल में थे उनकी ग्लोरी थी, उनका इतिहास जो था, वो उसको ग्लोरीफाई करने के लिए पेंटिंग्स के थ्रू अपनी ग्लोरी को रिलाइव करते थे. ठीक है, ड्यूरिंग द 1872 1820. ठीक है, मेनी यूरोपियन पेंटर्स विजिटेड इंडिया, जिनमें से थे टिली कैटल, विलियम हॉजेस, जॉन जॉफरी और थॉमस डेनियल, एंड विलियम डेनियल हु वॉज अ नेफ्यू ऑफ थॉमस डेनियल, दे विजिटेड इंडिया. एंड इन द 18th सेंचुरी व्हेन द मुगल एम्पायर वर डिक्लाइन. ठीक है, मुगल एम्पायर जब डिक्लाइन था, सो मुगल कोर्ट आर्टिस्ट दे माइग्रेटेड फ्रॉम दिल्ली टू द हेड क्वार्टर सच एज लखनऊ. मतलब क्या, मुगल्स का रूल जो था वो डिक्लाइन था जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए, तो उनके जो कोर्ट आर्टिस्ट थे वो छोड़ करके हेड क्वार्टर्स पर जाने लगे, लाइक वो लखनऊ चले गए, जयपुर चले गए,
हैदराबाद चले गए, मुर्शिदाबाद, जहाँ पर उनको पेट्रोनस मिला, मतलब क्या जो वहाँ के रूलर्स थे उन्होंने उनको प्रमोट किया, उनको ग्रांट दिया और उनको हेल्प की कि वो आगे मिनिएचर पेंटिंग्स बना सकें। एंड दे गिव द रियलिस्टिक लुक टू द पेंटिंग्स बाय मेकिंग द मिनिएचर एंड मुरल्स एंड सम इंडियन पैटर्न्स। पैटर्न्स मतलब द रूलर हु गिव प्रिविलेजेस टू द पेंटर्स लाइक टीपू सुल्तान हु वॉज एट मैसूर, ही प्रमोटेड एंड प्रिजर्व द इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ पेंटिंग्स। ठीक है, हमारे इंडियन इंडिया की जो पेंटिंग्स थी उनको प्रमोट किया और सिक्योर करके रखा। ठीक है, आफ्टर दैट देर वॉज अ कंपनी पेंटिंग। कंपनी पेंटिंग व्हेन इंडियन किंगडम्स वर अंडर द कंपनीज रूल। ठीक है, जब हमारे इंडिया की किंगडम्स कंपनी रूल, कंपनी क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विच केम टू इंडिया एट 1600। ठीक है, सो 1600 में हमारे इंडिया में आई तो उस समय कंपनी रूल था, तो कंपनी पेंटिंग्स मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपनी पेंटिंग्स बनवाती थी फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड के पर्पज से, और इंडियन सीन्स को डिपिक्ट करते थे, मोनूमेंट्स को, पीपल्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को। ओके, सो दे वर एक्सप्रेस बाय द पेंटिंग एंड द फॉर्म विच वॉज अ ब्लेंड ऑफ वेस्टर्न स्टाइल विद द इंडियन स्टाइल। ठीक है, दिस वॉज नोन एज अ कंपनी पेंटिंग। ठीक है, अब ब्रिटिश के जो आर्टिस्ट थे वो हमारे इंडिया के जो आर्किटेक्चरल स्टाइल थी तो वो, ठीक है, मतलब वेस्टर्न और इंडियन स्टाइल को ब्लेंड करके एक यूनिक वे से जो पेंटिंग की जाती थी उनको कंपनी पेंटिंग कहा जाता था। कलकत्ता विच वॉज द लैंड ऑफ प्रोमिसज विच ग्रिप द कमर्शियल प्रोस्पेक्टिव एंड द जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द कंपनी पेंटिंग। नेक्स्ट इज कालीघाट पेंटिंग्स। सो कालीघाट पेंटिंग्स स्पेशली इन जनरली जो कि पटुआस क्या थे, द नरेटर्स ऑफ द रिलीजियस एंड माइथोलॉजिकल स्टोरीज, वो लोग जो धार्मिक और माइथोलॉजिकल मतलब पौराणिक कथाएं जो थी वो उनको नरेट करते थे, उनको पटुआस कहा जाता था। एंड दे एक्सप्रेस देम थ्रू द क्ले पीसेस। ठीक है, क्ले की जो इमेजेस होती हैं उनसे वो माइथोलॉजिकल और रिलीजियस स्टोरीज को डिपिक्ट करते थे। अब पटवास क्या थे, उनके पास पाटास, पाटा मीन्स क्या होता है, क्लॉथ होता है, पीसेस ऑफ क्लॉथ जिनके थ्रू वो पेंटिंग्स को एक्सप्रेस करते थे। ठीक है, तो इनको कालीघाट पेंटिंग इसलिए कहा जाता है जस्ट बिकॉज द पटुआस हु माइग्रेटेड फ्रॉम विलेजेस एंड सेटल टू द टेम्पल एट कालीघाट इन कलकत्ता। ठीक है, वो पटुआस जो कि माइग्रेट हुए कहाँ से, विलेजेस से, और कालीघाट कलकत्ता में सेटअप हुए, उनको कालीघाट पाटास कहा जाने लगा। और उन्होंने जो थिन चीप पेपर यूज़ किया जिसके ऊपर उन्होंने पेंटिंग्स की उसको कालीघाट पेंटिंग कहा गया। सो ऑल ओवर कालीघाट पाटास दे डिपिक्ट गॉड एंड गॉडेसेस, संत, माइथोलॉजिकल फिगर्स एंड वेरियस सोशल इवेंट्स थ्रू देयर पेंटिंग्स। तो इसको कालीघाट पेंटिंग्स कहा था। नेक्स्ट इज पेंटिंग स्टूडियोज। सो इन द एंशियंट टाइम द रियलिस्टिक द क्लियर पिक्चर वॉज वन। ठीक है, तो ऑन विद द ग्रोथ ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस द मैनुअल पेंटिंग्स वॉज जनरली रिप्लेस बाय द मैकेनिकल पेंटिंग्स। सम 19th सेंचुरी आर्टिस्ट द सेट ऑफ देयर ओन प्रेसेस, दे मेड लार्ज नंबर्स ऑफ प्रिंट्स ऑफ देयर पेंटिंग्स एंड दे मेड देम अवेलेबल टू द पब्लिक एट अ लो कॉस्ट। ठीक है, अब क्या द पेंटिंग विच एज द रूलर हैज़ बीन ड्रॉन बाय द पेंटर फॉर हिमसेल्फ, तो वह एक ही पीस बनेगा, बट उसको लार्ज अमाउंट पर कमर्शियली सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग स्टूडियो सेटअप किए गए। ठीक है, तो हमारे इंडिया में सबसे पहले कलकत्ता आर्ट स्टूडियो सेटअप किया गया विच वॉज सेटअप एट 1870s। कब सेटअप हुआ था, 1870s में कलकत्ता आर्ट स्टूडियो सेटअप किया गया एंड विच इज़ स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी है। ठीक है, और कलकत्ता आर्ट स्टूडियो वॉज सेटअप टू प्रोड्यूस रियलिस्टिक प्रिंट डिपिक्टिंग इम्पॉर्टेंट पीपल एंड माइथोलॉजिकल एंड रिलीजियस सब्जेक्ट्स। ठीक है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज को और रिलीजियस सब्जेक्ट्स को एक्सप्रेस करने के लिए रियलिस्टिक व्यू में कलकत्ता स्टूडियो सेटअप किया गया। ठीक है, आफ्टर दैट देयर वाज अ राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा जो कि एक आर्टिस्ट थे त्रावणकोर केरला के, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, ही यूज़ द वेस्टर्न टेक्निक्स ऑफ ऑयल पेंटिंग। ठीक है, अब कलर्स जो होते हैं वाटर कलर्स कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ ऑयल पेंटिंग्स यूज़ करते हैं, सो ही यूज़ द ऑयल पेंटिंग्स टू पेंट। ठीक है, सो द पेंटिंग वॉज इन ग्रेट डिमांड एंड ही एक्सप्रेस द इंडियन एपिक्स थ्रू द पेंटिंग्स। ओके,
Next is art schools. So in India and during the 19th century, British established art schools in India. मतलब हमारे इंडिया में different types की paintings को सिखाने के लिए अलग अलग art schools setup किए गए. So firstly it was set up at Calcutta, then Bombay, Madras and later various places. अलग अलग places पर setup हुए and mainly in these schools western techniques of paintings were taught. ठीक है, वेस्टर्न टेक्निक्स सिखाई जाती थी बच्चों को. नेक्स्ट इज बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट. सो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट इट वॉज सेट अप 20th सेंचुरी बाय द अवनींद्रनाथ टैगोर हु बिगेन दिस न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग विच वॉज कॉल्ड द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट एंड दिस वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन फोक आर्ट अजंता के पेंटिंग्स मुगल्स राजस्थानी मिनिएचर्स एंड जापानीज एज वेल. ठीक है, मतलब बंगाल स्कूल आर्ट जो था वहाँ पर इट वॉज अ ब्लेंड ऑफ द डिफरेंट आर्ट्स डिफरेंट टेक्निक्स एंड स्टाइल्स. सो रविंद्रनाथ टैगोर ही वॉज अ कीन आर्टिस्ट हिमसेल्फ. उन्होंने कला भवन शांति निकेतन को प्रमोट करने के लिए सेटअप किया बंगाल में. ठीक है, और जहाँ पर वो कीन पेंटिंग्स को एक्सप्रेस करते थे. नेक्स्ट इज देर वॉज अ चेंजेस इन द लिटरेचर was seen. So new forms of writing was seen there in the ancient time. ठीक है, so authors अलग अलग थे, वो different languages use करते थे, play, short stories, novels write करते थे जो readers को readers के बीच में काफ़ी popular थे, जिसमें कुछ longer stories थी, mythological, religious और rulers के बारे में stories हुआ करती थी and especially they discuss about the social and political issues. ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स और पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में डिस्कशंस होता था लिटरेचर के थ्रू. सो देयर वाज अ वेरियस राइटर्स एंड अमंग देम द बंकिम चंद चैटर्जी शरत चंद उपाध्याय एंड दे रोट अबाउट द सोशो पॉलिटिकल इश्यूज. रविन्द्रनाथ टैगोर उन्होंने प्रोज भी राइट किए पोइट्रीज एंड ऑल्सो द ड्रामा. ही कंपोज नंबर्स ऑफ सॉन्ग. ठीक है, इंडिया का जो जनगणमन है रविन्द्रनाथ टैगोर प्रोड्यूस एंड द सॉन्ग अमर बंगला जो कि दिस इज द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश वो सॉन्ग था जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था. ठीक है, एंड ही विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 फॉर द ग्रेट वर्क इन गीतांजलि. ठीक है, गीतांजलि दिस वॉज अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोस्ट ट्रांसलेशन ऑफ बंगाली वर्स. ठीक है, बंगाली वर्सेस का इंग्लिश कंपोजिशन था. ठीक है, मुंशी प्रेमचंद हु रोट इन हिंदी एंड उर्दू ही एड्रेस सोशल इश्यूज इन सिंपल लैंग्वेजेस. उसके अलावा केशवती नॉवलिस्ट हुए हैं हरि नारायण आपटे मराठी लैंग्वेज में, लक्ष्मीनाथ बैजोरा जो कि आसामी लैंग्वेज में, फकीराम मोहन सेनापति ओडिया में हुए, वल्लाथल नारायण मेनन मलयालम में, गुर्जरदा अप्पा राव तेलुगु, सुब्रमण्य भारती तमिल एंड नरमन जो कि गुजरात से हुए. ठीक है, थिएटर वॉज ऑल्सो पॉपुलर एट दैट टाइम इन इंडिया. सो मेनी पिक्चर्स वॉज देयर. तो दीनबंधु मित्रा उनका एक प्ले था नील दर्पण विच वॉज वेरी रिस्पेक्टफुली इन्फ्लुएंस एट दैट टाइम एंड गेट वेरी पॉपुलरशिप देयर इन द 20th सेंचुरी. ठीक है, एंड उसके बाद हमारे इंडिया में IPTA मीन्स इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन बनाया गया बॉम्बे में, जिसने एक सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट दिया थिएटर में. देन म्यूजिक ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल लाइक इंडियन एंड क्लासिकल म्यूजिक वॉज अ ब्लेंड कैन बी सीन इन द एंशियंट टाइम. ठीक है, तो हमारे इंडिया का जो सॉन्ग था मतलब हमारी जो क्लासिकल सिंगिंग थी वो और वेस्टर्न जैज एक फॉर्म है सिंगिंग का. ठीक है, पॉप एक सॉन्ग है जो आप रिसेंट काफ़ी सुन रहे होंगे. ठीक है, तो एक ब्लेंड हुआ और हारमोनियम क्या है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ बिन अडोप्टेड फ्रॉम द वेस्ट. ठीक है, मतलब वेस्टर्न कंट्री से अडोप्ट किया गया, हमारे इंडिया का इंस्ट्रूमेंट नहीं है पियानो गिटार, ये वेस्टर्न है. ठीक है, जो कि हमारे इंडियन म्यूजिक साथ में इवॉल्व हुए. डांस फॉर्म वॉज ऑल्सो चेंज. ठीक है, अब क्या है, हमारे एंशियंट टाइम में एक देवदासी सिस्टम था. देवदासी सिस्टम मतलब अंडर दिस वुमेन डांसर्स
see the dances in the temples who were exploited. तो एक देवदासी सिस्टम था, उसके अगेंस्ट एक कैंपेन शुरू किया गया कि उनको जो डांसर्स हैं टेम्पल्स में डांस करते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ गलत बिहेव ना किया जाए. ठीक है, सो मेरियस माइथोलॉजिकल रिलीजियस स्टोरीज वर डिपेक्टेड थ्रू द डांस फॉर्म्स. नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर. सो द बिल्डिंग स्टाइल, द बिल्डिंग ऑफ ग्रैंड स्ट्रक्चर्स इन द टाउन्स which has been changed during the 19th century. Okay, so there was a combination of Hindu, Islamic and European style still can be seen in the Indo-Saracenic style of architecture. अभी भी आप देख सकते हो जो विक्टोरिया मेमोरियल है कलकत्ता का, जिसमें एक कंबाइंड आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो देखने को मिलती है. देन गेटवे ऑफ इंडिया विच इज़ एट बॉम्बे. ठीक है, जो एक बिल्डिंग है जो कमोमोरेट हुई थी कब, ब्रिटिश मोनार्क किंग जॉर्ज फिफ्थ जो कि 1911 में इंडिया में विजिट किए थे, तो उस समय उनके लिए स्पेशली ये बिल्डिंग उनको डेडिकेट करते हुए बनाई गई थी. ठीक है, सो वेरियस टेम्पल्स वेरियस बिल्डिंग्स कैन बी सीन इन इंडिया. अब क्या है, विक्टोरिया टर्मिनस इट्स अ रेलवे स्टेशन which has been named after the Queen Victoria of Britain, इसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से अब जाना जाता है. ठीक है, ये एक इंडो सरेंसिक बिल्डिंग है. उसके अलावा प्रिंस वेल्स म्यूजियम जो कि बॉम्बे में है, एक लैंडमार्क है गेटवे ऑफ इंडिया के पास में. उसके बाद कुछ मोनूमेंट्स मद्रास में हुए कॉलोनियल पीरियड में, लाइक प्रेसिडेंसी कॉलेज, चेन्नई हाई कोर्ट, रिपन बिल्डिंग जो कि चेन्नई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्पेशली जो कि कलकत्ता में सेटअप हुए हैं. ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल, जनरल पोस्ट ऑफिस, सो दीज आर द सम बिल्डिंग्स विच आर सेटअप इन द 19th century. मतलब नई नई बनाई गई जिसमें इंडो इस्लामिक और यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल का ब्लेंड देखने को मिलता है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट द चेंजेस इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. मतलब क्या क्या चेंजेस हुए आर्ट में, आर्ट फॉर्म में क्या क्या हुए. ठीक है, उसके बाद लिटरेचर में, म्यूजिक, डांस, आर्किटेक्चर. सो आई होप वी हैव टच्ड एवरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. सो वील मीट इन अनदर क्लास. इफ यू गॉट एनी डाउट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ देर इज एनी क्वेश्चन, देन यू मे आस्क इट टू मी. ओके.